80 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली और बाद में कई सीरियलों में नजर आने वाली अभिनेत्री श्रीप्रदा का कोरोना संक्रमित होने के बाद बेंगलुरु के MS रमैया अस्पताल में निधन हो गया। जी हां, आपको बता दें कि श्रीप्रदा को सांस लेने में तकलीफ के चलते MS रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। लगभग 2 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद श्रीप्रदा ने आखिरकार दम तोड़ दिया। जी हां, आपको बता दें कि श्रीप्रदा की कोरोना से हुई निधन को लेकर जब बेंगलुरु में रहने वाले उनके भाई रुपेश नायडू से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि पिछले साल मेरी बहन को कोलन कैंसर डिटेक्ट हुआ था और तब से ही बेंगलुरु के कोलंबिया एशिया अस्पताल में उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। जी हां, हर 15 दिन में केमोथेरेपी लेने के लिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ता था। इसी दौरान वो कोरोना के संक्रमण का शिकार हुई, फिर उन्हें MS रमैया अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उल्लेखनीय है कि श्रीप्रदा ने पिछले साल सितंबर महीने में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए शूटिंग पूरी की थी। जी हां, आपको बता दें कि श्रीप्रदा ने 80 और 90 के दशक में ज्यादातर बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था। श्रीप्रदा का असली नाम ईशा नायडू था। गजेंद्र चौहान बताते हैं कि उनकी पहली फिल्म दिलरुबा टांगेवाला के निर्माता मोहन टी ज्ञानी ने उस दौर की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी और जया प्रदा के नामों में से ही श्री और प्रदा लेकर ईशा का नाम श्रीप्रदा रखा था। फिर श्रीप्रदा ही हमेशा के लिए उनका स्क्रीन नेम बन गया और वो इसी नाम से मशहूर रह गई। जी, आपको बता दें कि कोरोना के साथ साथ वो कैंसर की बीमारी से भी जूझ रही थी, जिसके कारण वो हर महीने कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल भी जाया करती थी। इसी बीच कोरोना से संक्रमित हो गई और आखिरकार उस दुनिया को छोड़कर चली गई। जी हाँ, हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।